हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। वेल, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे ये बहुत ही गॉर्जियस ड्रेस हम एक ओल्ड और डिफेक्टेड साड़ी से बनाने वाले हैं, और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक डिज़ाइनर ड्रेस को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक इट एंड शेयर इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Well, this is our sari. So as you can see, it is a beautiful sari. But छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि कुछ जगह से इसमें होल्स हो गए हैं, और जिसकी वजह से ये एक डिफेक्टेड साड़ी हो गई थी। और अब आज मैं इसको बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में कन्वर्ट करने वाली हूँ। We'll first cut and keep aside our defected part of sari. Well, this is our lining, जो कि हमने सेम कलर का थिन कॉटन फैब्रिक लिया है। First, we need to fold the lining to half. We are starting the markings. सबसे पहले हम वेस्ट को मार्क करेंगे, उसके बाद हिप्स को मार्क करेंगे, और सबसे नीचे जितनी भी हमें लाइनिंग की विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करके उसको जॉइन करके कट कर लेंगे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी सुपर कम्फर्टेबल ड्रेस, क्योंकि कॉटन सबसे एब्सॉर्बिंग एंड कम्फर्टेबल फैब्रिक होता है इनर लाइनिंग यूज़ करने के लिए। तो मैं इसको अपनी लाइनिंग में यूज़ करने वाली हूँ, और सबसे पहले हम लोअर पार्ट के पैनल्स कट करने वाले हैं सो दैट वी कैन गिव अ गुड फ्लेयर टू ड्रेस। सो लास्टली फॉर द लोअर पार्ट वी आर कटिंग ऑफ द साइड पैनल्स, और उसके बाद हमारा लोअर पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू द योक। Now, by using the leftover lining, हम अब अपना योक कट करेंगे, जिसको हमने अराउंड 17 इंचेस कट कर लिया है, क्योंकि मेरे योक की लेंथ 15 इंचेस आती है। सो वी आर गोइंग टू टेक सम एक्स्ट्रा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कटिंग आर योक। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पेस्ट द लाइक्रा पेस्टिंग ऑन द योक पार्ट, क्योंकि योक की क्वालिटी अपग्रेड करने में और अच्छी फिटिंग देने में लाइक्रा पेस्टिंग काफ़ी यूजफुल रहती है। वेल, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट द पैटर्न ऑफ योक एंड वी आर गोइंग टू कट आउट आवर योक पार्ट। वी हैव गिवन ऑल द मार्क्स ऑफ द योक फॉर द डार्ट्स, for the armhole, for the sides, and now we are going to draw the neckline. My favorite neckline is sweetheart, so we are going to have a sweetheart neckline on this dress. So as it is a padded dress, we are going to have the princess panel for better fitting. As we are done with the markings, so now we are cutting out our yoke precisely. Next, we are going to get our princess panels finished, so we are giving the final and precise shape to our princess panel. Now we are setting the panels of our yoke design. वेल, अपने योग के फ्रंट में मुझे ओवरलैप वाला डिज़ाइन चाहिए, सो मास्टर जी ओवरलैप वाले डिज़ाइन को सेट कर रहे हैं। Now after setting the patterns of our lining, अब हम अपने योक की कटिंग करेंगे और उसी पैटर्न को हम योक के लिए ट्रेस करेंगे। सो एज़ यू रिमेंबर, जो हमारा डिफेक्टेड वाला पार्ट था साड़ी का, वो हमने साइड में रख लिया था, तो वो हम यहाँ पे योक के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लोअर वाला पार्ट था इट वॉज़ एब्सोल्युटली इन राइट कंडीशन, और उसको हम ईज़िली और कम्फर्टेबली योग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रंट के पैनल्स को प्रिसाइसली कट करके अब हम अपने बैक की कटिंग कर रहे हैं। इन एडिशन मुझे फ्रंट में एक बेल्ट चाहिए थी योग में, सो नाउ वी आर गोइंग टू कट ब्राउन कलर्ड बेल्ट फ्रॉम बॉटम। All right, so we have joined the panels of lower part of the dress, and as you can see, अच्छा खासा फॉल हमने दे दिया है, around 3.5 to 4 meters, that is sufficient to be given for a साड़ी that was defected, और जिसमें से थोड़ा सा हमने साइड में निकाल दिया था, तो 4 से 5 मीटर के आसपास अगर उसमें फॉल आ जाए सो इट इज़ अ वेरी गुड फॉल। अब हम लाइनिंग वाले पैटर्न्स को साड़ी वाले पैटर्न से जॉइन कर रहे हैं, डार्ट्स दे रहे हैं, और उसके बाद हम बेल्ट को जॉइन करेंगे उसके लाइनिंग वाले पैटर्न से। वेल बेसिकली वी आर गोइंग टू जॉइन द साड़ी पार्ट एंड लाइनिंग पार्ट ऑल टुगेदर। वेल दिस इज़ आवर फ्रंट पार्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट के हमने पैनल्स ज्वाइन कर लिए हैं और फ्रंट योक हैज़ कम आउट वेरी वेरी ब्यूटिफुली। एंड ऑल्सो फ्रंट में फिटिंग देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम लाइनिंग और उसका जो साड़ी वाला पार्ट है दोनों पैटर्न्स को अलग अलग स्टिच करते हैं और उसके बाद हम उनको सेट करने के लिए और स्टिचिंग को अच्छे से बिठाने के लिए स्टीम प्रेस देते हैं। अब स्टीम प्रेस देने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, पैड्स को लाइनिंग के साथ जॉइन करना है और स्टिच करना है। नाउ वी हैव जॉइंट द लाइनिंग विद द पैड्स, और अब हमको अपने लाइनिंग वाले पार्ट को साड़ी वाले पार्ट से जॉइन करना है। Well, now all the preparation for completing the yoke has been done. तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें बैक फ्रंट बेल्ट सभी सब कॉम्पोनेंट्स को साथ में स्टिच कर लेना है और हमारा योक एब्सोल्युटली रेडी हो जाएगा। सो फाइनली अपना पूरा योक ऑल टुगेदर ज्वाइन करने के बाद हमने अपना योक रेडी कर लिया है। योक रेडी हो गया है, अब हम अपना लोअर वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो डिफेक्टेड पार्ट निकालने के बाद जितना भी पार्ट बचा है हमने उसको आपस में ज्वाइन करके उसकी गैदरिंग कर रहे हैं, और बची हुई साड़ी से जितनी मैक्सिमम हम गैदरिंग निकाल सकते हैं वो हम निकाल रहे हैं। सो अराउंड हमारी 4.5 मीटर के आसपास गैदरिंग आ जाएगी, और उसके बाद हम अपने योक को और अपने लोअर वाले पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट हमने बैक के लोअर और योक को ज्वाइन किया है, और उसके बाद हम ऑल टुगेदर पूरे बैक के पार्ट को, फ्रंट के लोअर को और फ्रंट के योक को आपस में ज्वाइन कर लेंगे एंड हमारी स्टनिंग ड्रेस एब्सोल्युटली रेडी हो जाएगी। सो 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारी गॉर्जियस ड्रेस रेडी होने जा रही है, एंड in next 5 to 10 minutes we are going to see how it turned out. All right, so finally this is our look, and our absolutely stunning dress is looking so gorgeous and stand out. Nobody can predict that it has been made with a defected sari. So finally our video is complete here. I hope you must have liked this video. Do subscribe my channel for more such amazing video on board.